अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब हमें किसी भी हालत में जो कुछ भी हमने खोया है उसे वापस पाना है। जानी छोड़ रोकी। दीदी अप्पा खड़ी है ना, गवाह बनेगी। पांडे जी जायदाद के पेपरों में दस्तखत कीजिए। कोई रामलिंगम और राजलक्ष्मी नहीं है, ध्रुव और धानी है। धोखा दिया है ताकि प्रॉपर्टी वापस अंकल जी के पास है। वकील साहब कितना काम बाकी है? बस काशीनाथ जी के फिंगरप्रिंट्स बचे हैं। तो फिर लो। कोई थंबप्रिंट नहीं लगेगा। आज इस काम को कोई नहीं रोकेगा। प्लीज रॉकी बस बहुत हो गया। नहीं छोड़िए हमें। छोड़िए हमें जल्दी पापा जल्दी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई ध्रुव जी। अभी आपको फिक्र की कोई बात नहीं है, सारी प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम हो गई है। लॉयर साहब आप ये पेपर्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्द से जल्द जमा करवाइए। फटाफट यहाँ से निकलिए पर संभल कर। बहुत बढ़िया पांडे परिवार, बहुत बढ़िया। तुम लोगों से हमें यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने सिर्फ धोखा देना सीखा है। जब पैदा हुए तब भी तुम लोगों ने हमें धोखा ही दिया था, और आज आज भी हम जब अपने हक का मांगने आए तो तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। रॉकी तेरा हक हमने खुद तुझे लाकर दिया था और तूने क्या किया?
हमारा ही परिवार हमसे छीनना चाहा। वो भी किसकी बातों में आकर रॉकी? इनके? अरे इन्हें तो अपने खुद के माता पिता की कोई परवाह नहीं है। ये किसकी सगी नहीं हो सकती रॉकी। अब तो जाग जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है, हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही है रॉकी। बस आंखों पे पट्टी बांध कर चलने से यही होता है, खुद के बिछाए हुए जाल में इंसान फंस जाता है। तूने पूरी कोशिश की हमारा परिवार हमसे अलग करने की, लेकिन आज आज तू अकेला खड़ा है और हम आज भी अपने परिवार के साथ हैं। हमारे यहाँ कहावत है, बुजुर्गों का कहा और आमला का खाया, कि बाद में पता चलता है। तुझे बाद में जब ये पथ भ्रष्ट जो चश्मा है ये उतरेगा, तब तुझे पता चलेगा कि ध्रुव बछवा कहा बोल रहा है। इसे कहते हैं परवरिश। राखी को तो हम दोष नहीं दे सकता, लेकिन तेरा समझ में नहीं आया। दोनों एक साथ बड़ा हुआ, एक जैसा प्यार मिला, एक जैसा परवरिश हुआ। अरे कहां से सड़ा हुआ चीकू निकल गया। क्या कह सकता, परवरिश भारी पड़ गया खून पर। फिलहाल आप और आप इस घर से बाहर जाएगा। अगर आपने जरा सी भी शर्म और खुददारी बची है तो यहां से चली जाइए, और दोबारा अगर हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आज सिर्फ हाथ पैर बांधकर बिठाया था। अगर पूरा परिवार मिलकर एकजुट हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। आप लोग चिंता मत करिए, आज के बाद हम आप सबको कुछ नहीं होने देंगे। कौन सा मंदिर माथा रगड़ने गई थी रूपा जी तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसकी तपस्या जो है आज कामयाब हो गई। जब उसे पता चलेगा कि उसका परिवार जो है फिर से खुशियां वापस आ गई तो बहुत खुश होगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। चलिए रूपा जी से बात करते हैं और बांट के आज खुशियां मनाते हैं। लो माँ भी आ गई।